पाली जिले के जैतारण शहर में तहसील कार्यालय के अंदर पेंशनर भवन का शुभारंभ किया गया। वहीं आपको बता दें, विधायक अविनाश गहलोत, उपखंड अधिकारी भास्कर विश्नोई के सानिध्य में शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मारवाड़ जंक्शन के गुड़ा केसर सिंह गांव में घरों के ऊपर से विद्युत की हाई टेंशन लाइन गुजरने के कारण ग्रामीण जन बरसों से हादसे के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव की आबादी क्षेत्र में घरों के ऊपर से हाई टेंशन विद्युत लाइन गुजरने के कारण बारिश के मौसम में ग्रामीण जन हल्की विद्युत प्रवाह भी महसूस करते हैं, जिससे उनकी जान हथेली पर बनी रहती है। वहीं पेड़ पौधों की टहनियों को छूने के कारण भी करंट से हादसे का भय बना रहता है, लेकिन प्रशासन इन सब के बावजूद मूक दर्शक बना हुआ है। ग्राम पंचायत की निवासी हूँ। हमारे घरों के ऊपर से 11,000 केवी लाइन निकली हुई है। इससे हर समय हमको खतरा मंडराता रहता है। हम मजदूरी पर चले जाते हैं, उसके बाद में कई बार तार हादसा हो चुका है और कई बार तार टूट चुके हैं। हर समय इसका डर बना रहता है। घर पे बच्चे, गाय, भैंस, हमारे पशु अकेले रहते हैं, इससे हमें हर समय खतरा रहता है। केसर सिंह ग्राम पंचायत गुड़ा केसर सिंह लगती है। हमारा घर जो है उसके ऊपर से जो 11,000 की ये KVF 3 लाइन निकली हुई है, जिससे हमें घर वालों को काफ़ी तकलीफ होती है। कई बार तो तार टूट चुके हैं, जिससे गाय, हमारी बकरियां, भैंस वगैरह मर चुकी है। ये तो अच्छा है कि हम काम पे चले जाते पीछे, नहीं तो हमारे साथ भी क्या ऐसा हो सकता है। 2-3 बार तार टूट चुके हैं। मेरी ये विनती है नेताओं से और सरकार से जल्द ये लाइन हटाने की कृपा करें। जिले के मारवाड़ जंक्शन उपखंड के गजानंद चौराया एवं काली माता मंदिर आश्रम पर नकाबपोश चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। रात को महाराज और पुजारी परमानंद को बंद कर उनके साथ बुरी तरह मारपीट की गई और 2 किलो चांदी और 40,000 रुपये नकदी, 3 तोला सोना लेकर फरार हो गए। अज्ञात चोर यही नहीं रुके, निकट ही सोहनलाल पुजारी एवं बाबूलाल पुजारी के आश्रम पर भी इन्होंने धावा बोला और लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। गौरतलब है कि इस महीने बढ़ रही चोरियों की वारदात से ग्रामीण सकते में हैं और भयभीत हैं। वहीं मारवाड़ पुलिस जंक्शन इन अज्ञात चोरों की तलाश में लगातार जुटी हुई है। महाराज, ये आपके जो थाने में पता किया? अभी मैं दोनों संतों के साथ में जिनके वारदात हुई है, उन दोनों संतों से मिला हूँ और उन्होंने दोनों ने बोला है कि भाई हमने FI दर्ज कराई है, लेकिन आज पुलिस थाने के कान के नीचे मतलब ऐसी 2 वारदातें हुई है और अभी तक मतलब 15 दिन में दूसरी वारदात है और अभी तक प्रशासन कुछ भी काम नहीं किया है और नहीं अभी तक मुलजिमों को पकड़ा है। अभी UP में एक हत्याकांड हुआ है और 24 घंटे के अंदर मतलब स्टेट सूरत में अगर उस मुलजिम को पकड़ लिया और यहाँ मारवाड़ कान के नीचे है जो अभी तक 4 दिन में मुलजिम नहीं पकड़ पाए हैं और अभी तक प्रशासक सोया हुआ है। हम आज प्रशासक को खुली चेतावनी देते हैं कि आज शाम तक अगर मुलजिम को नहीं पकड़ा गया तो कल हम साधु संतों का धरना देंगे और पूरा साधु समाज को इकट्ठा करके पूरा मारवाड़ और पाली जिला तहसील पूरा जिला बंद करवाएंगे, चक्का जाम हड़ताल करेंगे। ये साधु संतों के साथ में अन्याय हम सहन नहीं करने वाले हैं। 7 तारीख सोमवार का दिन था और 9 जने थे। मेरे 2 किलो 300 ग्राम चांदी लेके गए हैं, करीब नकदी 40,000 रुपये लेके गए हैं, 3 तोला 2 ग्राम सोना लेके गए हैं और हमने पुलिस को फ़ोन भी किया। पुलिस बहुत लेट से आई। दूसरी बात, जब पुलिस यहाँ आई तो बोले कि आप तो अवैध बैठे हो महात्मा जी, आप यहाँ कैमरे क्यों नहीं लगाए हो। दूसरी, हमारे को मारपीट किए चोर और बुरी तरह से मारे। चोर सब यही के, कहीं बाहर के नहीं है, सब यही के हैं। पुलिस क्या कह रही है अभी? पुलिस अभी कह रही है कि देखो तुम पता लगाओ। तो हम बोले हम कहाँ पता लगाए भाई, आप पता लगाइए। हम फरियाद भी किए हैं, अभी तक कोई उसका कार्रवाई नहीं हुआ। एक एक नहीं, 3-3 घटनाएं हो गई। राह चलते उनको भी नहीं चलने देते हैं। कौन उन्होंने, रेलवे पुलिस हो चाहे सिविल पुलिस हो, ये सब मौन मौन बैठे हुए हैं।
देवरिया जनपद के मैल थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 20 अक्टूबर को एक व्यक्ति से दिन दहाड़े मोटरसाइकिल और मोबाइल की लूट हुई थी, जिसे मैल के थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार रवि ने तत्परता दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर अनावरण कर दिया। हिंदुस्तान लीवर में काम करने वाले एक नवयुवक की एक मोटरसाइकिल और उसका मोबाइल दिन में बदमाशों द्वारा छीन लिया गया था। मैल थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने प्रयास करके उसे ट्रेस किया और उसमें तीनों लड़कों ने जिन्होंने उसे छीना था उन तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मोबाइल बरामद हो गई, मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। ये व्यक्ति जिसके साथ घटना हुई थी वो पास के जनपद कुशीनगर के कसियां का रहने वाला था, हिंदुस्तान लीवर में काम कर रहा था और वो जा रहा था कि उसी समय डेहरी के पास एक प्राइमरी स्कूल है उसके पास ये तीनों लड़के थे। तीनों बिल्कुल ड्रंक पोजीशन में थे, उन्होंने उससे हाथापाई करके मोटरसाइकिल और उसका मोबाइल छीन लिया था। उसकी आज रिकवरी हुई है। थाना मैल को 24 घंटे में इसे वर्कआउट करने के लिए मेरी तरफ से 2,500 रुपये का इनाम दिया गया है। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज गाजियाबाद में गांधी संकल्प यात्रा के नाम से पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, राज्य मंत्री अतुल गर्ग के साथ साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ आम जन ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए वीके सिंह ने कहा कि गांधी जी के आदर्श सभी के लिए मान्य हैं। सर, गांधी संकल्प यात्रा चल रही है, इसके बारे में बताएंगे, ये किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं, क्या इसका मतलब? देखिए, गांधी संकल्प यात्रा का लक्ष्य है कि गांधी जी के 150वें वर्ष में हम उन सब चीज़ों को याद करें जिससे समाज और सुदृढ़ हो, देश और मजबूत हो, और जो चीज़ें उन्होंने अच्छी बताई हैं उनके ऊपर अनुपालन करने के लिए हम सबको बताएं। जिला गाजियाबाद की लोनी पुलिस लगातार फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले लोगों को गिरफ्तार कर रही है। लोनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आफाक नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। आफाक का मुख्य काम फर्जी आईडी तैयार करना है। करीब एक हफ्ते पहले के करीब थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा भी एक फर्जी वाला करके आधार कार्ड वाल बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश हुआ था। हमारी लोनी पुलिस भी सक्रिय थी, इधर पता रसी सुराग रसी भी कर रही थी, तो सूचना मिली कि लोनी में भी फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर एक आफाक नाम के मुलजिम को, जो कि सीलमपुर दिल्ली का रहने वाला है, इसको कस्बा चौकी क्षेत्र से कल गिरफ्तार किया गया 4:30 बजे के करीब, और इससे पूछताछ की गई, इसकी तलाशी की गई, तो इसके पास से आधार कार्ड बनाने की चीज़ें बरामद हुई, जिसमें कि एक अदद लैपटॉप है, एक आई स्कैनर है, एक अदद फिंगर स्कैनर है, 6 आधार कार्ड की रसीदें हैं और कुछ बने हुए आधार कार्ड बरामद हुए। सर, क्या लगता है अब तक कितने आधार कार्ड बन चुके हैं फर्जी? ये आफाक से सघन पूछताछ की गई तो इसने बताया कि हमारा जो गिरोह था पिछले 1-2 महीने से यहाँ लोनी क्षेत्र में सक्रिय था, जो कि 5वें-6वें दिन अल्टरनेट हम लोग गोपनीय रूप से आधार कार्ड बनाते थे। पूरी चीज़ों की जांच की जा रही है। इसमें अभी परवेज और अरमान 2 अभियुक्त हैं जो वांछित हैं, जिनकी भी हम धरपकड़ करेंगे बहुत जल्दी, और इनकी गिरफ्तारी होने के बाद भी और चैनल्स खुलेंगे कि क्या और लोगों का इनमें इन्वॉल्वमेंट है। सर, पूछताछ में क्या क्लियर हुआ है, अब तक कितने लोगों फर्जी आधार कार्ड बनाए जा चुके हैं? इनका कहना है कि हम जब 5वें-6वें दिन बनाते थे तो 20-25 आधार कार्ड बना लेते थे। इस तरीके से अगर 3 महीने से ये आधार कार्ड बन रहे हैं तो 700-800 करीब ये आधार कार्ड बना चुके हैं। उन आधार कार्डों को कलेक्ट करके पूरी पता रसी सुरागसी करके सक्षम मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देकर उन आधार कार्डों के निरस्तीकरण की भी रिपोर्ट दी जाएगी और पूरे गैंग को तोड़ने का। सर, ये आधार कार्ड बनाने की कितनी राशि लिया करते थे लोगों से? ये राशि तो अभी पूछताछ में पूरा क्लियर नहीं हुई है, लेकिन जब ये परवेज और अरमान पकड़े जाएंगे तो पूरी चीज़ें खुलकर आएंगी। इसमें परवेज मास्टरमाइंड था, जो कि जानता था आधार कार्ड बनाने की चीज़ों को, प्रशिक्षण भी उसी का।